Hello friends, welcome back. This is Jeet Talal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही important body part के बारे में बात करने वाला हूँ और वो है long head of tricep. बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जिम में अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, ट्राइसिप की सारी एक्सरसाइज को हिट करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो लॉन्ग हेड है वो डेवलप नहीं होता. यानी कि जो आप ये पिछला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है आपका, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप कहलाता है. ठीक है, ट्राइसेप के तीन हेड होते हैं मेजरली. आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, आपका लेटरल हेड जो ये बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये, और आपका मीडियल हेड जो ये अंदर की तरफ होता है. ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है, दबा हुआ लॉन्ग हेड के अंदर. अब जितने भी लोगों में को मैं जिम में देखता हूँ तो उनका ये स्वीप, ये चीज़ डेवलप नहीं होती, ये स्वीप नहीं होता डेवलप. तो ये बहुत ही ऐसा एरिया है जो टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अनलेस आप समझें कि ये हिस्सा कैसे टारगेट किया जाता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, क्या एंगल होना चाहिए आपके हाथ का. तो बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, आपके लॉन्ग हेड का स्वीप डेवलप होना. ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से लॉन्ग हेड को टारगेट किया जाता है, किस तरह से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को करेक्ट फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है ताकि वो लॉन्ग हेड को हिट करे और आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, बल्जिंग ट्राइसेप निकल के बाहर आए. गाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज़ एन आर्ट और आप एक आर्टिस्ट की तरह बॉडी बिल्डिंग में अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने फ्लॉज को, अपने वीकनेसेस को ठीक तरीके से हिट नहीं करेंगे बिल्कुल डिटेल में, तब तक आपकी बॉडी ओवरऑल डेवलप नहीं होगी. तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने ट्राइसेप के ऊपर, अगर आप के पास टाइम है तो आप जाके चेक कर सकते हैं. अभी चेक करिए जाके, ठीक है, तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को टारगेट करेंगे. तो चलिए गाइस जानते हैं. और अगर आप मुझे फेसबुक में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, एंड एज वेल एज इंस्टाग्राम. और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेक श्योर जो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है मेरे वीडियोज़ की वो तुरंत मिले. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ट्राइसेप के कितने हेड्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है. आपका लेटरल हेड, आपका मीडियल हेड जो अंदर है, और आपका लॉन्ग हेड जो आपका शुरू होता है आपके शोल्डर जॉइंट से क्रॉस होते हुए और यहाँ पे ख़त्म होता है, ये देखिए. ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप है उसका ओरिजिन और उसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है. ओरिजिन यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है. तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये शोल्डर जॉइंट से क्रॉस होते हुए आपका शुरू हो रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और एंड हो रहा है यहाँ पे. तो इन्फ्राग्लेनॉइड ट्यूब्रिकल ऑफ स्कैपुला से आपका शुरू होता है आपका ट्राइसेप लॉन्ग हेड और सीधा इंसर्ट होता है आपके प्रोसेस ऑफ पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ अल्ना में. ठीक है, यहाँ पे जॉइंट में. अब ये जानने की ज़रूरत हमको यहाँ पे इसीलिए थी क्योंकि जिस तरह से हम हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं उसके इंसर्शन पॉइंट्स और उसके ओरिजिन को समझते हुए, उसी तरह से हम ट्राइसेप को भी ट्रेन करेंगे. अब ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड का ट्राइसेप का जो फंक्शन है वो बेसिकली आपके एल्बो को एक्सटेंड करना ही नहीं सिर्फ, बल्कि आपके शोल्डर जॉइंट को भी एक्सटेंड करना है. ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपका शोल्डर जॉइंट भी एक्सटेंड होगा, ये उस हर एक्सरसाइज में आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ट्रेन होगा. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राइसेप की हर एक्सरसाइज में लॉन्ग हेड को टारगेट नहीं कर पाएंगे. ट्राइसेप की कोई भी एक्सरसाइज तीनों हेड्स को ट्रेन करती है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इम्फेसिस देती हैं आपके लॉन्ग हेड या मीडियल हेड को. तो उसी तरह से जब हम आज बात कर रहे हैं लॉन्ग हेड की, तो हम उन्हीं एक्सरसाइजेज की बात करेंगे जो मैक्सिमम इम्फेसिस, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंस देती है, टारगेट करती है आपके लॉन्ग हेड को. तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लॉन्ग हेड को, हिस्से को टारगेट करेगी. सो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज आती है यहाँ पे स्कल क्रशर्स. और स्कल क्रशर्स को मैंने पहले भी इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इसकी फॉर्म, टेक्निक, हर चीज़ कैसे आप इस एक्सरसाइज को लगाएंगे सही तरीके से, चेक कर सकते हैं आप मेरी एक्सरसाइज ट्यूटोरियल वीडियो को. और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को मैंने अपने मसल बिल्डिंग प्रोग्राम एब्सोल्यूट मसल में भी इंक्लूड किया है, वो भी चेक कर सकते हैं आप. तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो आप इस तरह का ज़िगज़ैग बार ले सकते हैं. एक यहाँ पे की पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्ग हेड को, जैसे मैंने आप कहा कि शोल्डर जब आपका स्ट्रेच होता है, एक्सटेंड होता है, तब ज़्यादा लॉन्ग हेड पे आती है. तो ऑलवेज स्टार्ट दिस एक्सरसाइज विथ स्लैंटेड. ठीक है, सीधे नहीं रखने अपने आपको शोल्डर के इसको, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और शोल्डर को, बल्कि हल्का स्लैंटेड रखना है जिससे आपका ऑलरेडी ट्राइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप एक्सटेंडेड यानी स्ट्रेच
पोजीशन में आएगा और एक कांस्टेंट टेंशन बनेगी। तो ये देखिए, ये यप। दूसरी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, यहाँ पे ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज भी मैंने एक्सप्लेन करी है अपने एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में कि किस तरह से इसका फॉर्म एवरीथिंग। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को मैंने अपने कटिंग प्रोग्राम द ब्लेड में भी ऐड किया है। अगर आपने द ब्लेड मेरा प्रोग्राम नहीं देखा है तो उसको भी चेक करिए, लिंक जो है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। ओके, तो देखिए किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं हम। सबसे पहले आप डंबल को लिफ्ट करेंगे ओवरहेड, उसके बाद एक ऐसी ग्रिप आपको लेनी है जिसमें आपका एल्बो ज्यादा फ्लेयर ना हो। एल्बोज आपके ज्यादा इनवर्ड्स भी नहीं होने चाहिए और ज्यादा फ्लेयर भी नहीं होने चाहिए। एक कॉन्स्टेंट टेंशन आपका मेंटेन होगा आपके लॉन्ग एंड ऑफ ट्राइसेप में। तो यूं आप परफॉर्म करेंगे और आपका जो ये हाथ है, डंबल है, ये इतना नीचे जाएगा जब तक आपका लॉन्ग एंड ऑफ ट्राइसेप पूरी तरीके से एक्सटेंड ना हो जाए, मतलब स्ट्रेच ना हो जाए। 1, 2, 3, 4। एक शोल्डर आपका एक्सटेंडेड पोजिशन में आएगा तो जिससे आपका लॉन्ग हेड पूरी तरीके से हिट करेगा और आपको जो स्वीप है ये डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज रोप एक्सटेंशन। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आप, आपके हर जिम में इस तरह की मशीन अवेलेबल होती है, केबल मशीन, और उसमें आप ये जो अटैचमेंट है रोप इसको लगा सकते हैं। और सेम प्रिंसिपल है, आपका जो शोल्डर है वो एक्सटेंड होना चाहिए। तो इस तरह से आपने अटैचमेंट लगाया और आप घूम के स्ट्रेच स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज। ध्यान दीजिए, देखिए मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, अपने रिस्ट को बाहर की तरफ खोल रहा हूँ ताकि आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मेरे ट्राइसेप में आए। ठीक है, स्ट्रेच एंड स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज, राइट। सो गाइज, ये तीन एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको आज बताई लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को हिट करने के लिए, ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। और आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इसको सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप अच्छे से डेवलप होगा। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू गिव अ थम्स अप, लाइक करिए इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मुझे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर क्लिक करिए। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए। एंड गाइज, अगेन हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू ऑल, टेक केयर।